रोलिंग ना ओके तो बेसिकली अभी टाइम कितना है 9 बजे है ना तो 9 बजे है अभी एंड मोर ऑर लेस सोच लो कि अभी जो है तुहिन का आईफोन से अभी शूटर है तो ही विल गो टू हिज होम वो अपने घर जाएगा उसके बाद वो मोस्ट प्रोबेबली कब आओगे तुम मैं तो अपने आप प्रैक्टिस करूंगा फिर जब कोई निकलेगा तो मिलने हम लोग क्या सीन है 11 बजे से हम जो है खेलना सब कुछ शुरू करेंगे एंड फिर उसके बाद जो है 11 बजे का टीम है मैं कृष्णा इताची और राम भैया तो फिर कृष्णा को फिर 12 या फिर 1 बजे उसको निकलना है तो वो निकल जाएगा उसके बाद जो है कल की या फिर तुरंत जब जो भी समझे वो आएगा खेलने के लिए सो दिस इज द थिंग इज आज का हम यहाँ पे 3 मीरामार 3 ईडेंगन खेलने वाले हैं एंड ओवरऑल मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूँ 3 मीरामार में 50 किल्स और 3 ईडेंगन में विल ट्राई टू रीच 60 किल्स ठीक है तो एक मैच में 20 किल्स का थोड़ा सा ज्यादा शायद से किसी किसी को लग सकता है बट प्रॉब्लम ये ना कि डिवाइस का थोड़ा सा इशू है मेरा इसलिए मैं थोड़ा सा बार को मैं डाउन सेट कर रहा हूँ ठीक है और लेट्स सी मुझे बताया देखो 90% चांस है कि ये जो सीन है ये नहीं होगा ठीक है बट चांसेस हैं अगर हम लोग एक साथ कोऑर्डिनेशन में खेल लेना तो कोई भी ये कर सकता है पर वो क्या है ना कि चीज जो कोऑर्डिनेशन है वो ही नहीं आता तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा सही से करना है कल जैसे मैंने तुमको कहा था कि अच्छा खेल जो था मेरा ठीक है तो ये शायद डे 14 का ठीक है और हम लोग क्या कर रहे हैं हम थोड़ा सा वन डे अप करके भेज रहे क्योंकि हमारा जो एडिटर है उन्होंने क्या किया था बीच में उन्होंने कुछ नहीं डाला था जबकि हाँ। उनके पास जो वीडियो था सब कुछ चुप रहेगा कुछ नहीं बोलेगा ठीक है तो क्या था उसमें मेन क्या सीन हो गया था एक दिन नहीं आया ब्लॉग पर मेरा जो मटेरियल था लाइक जो वीडियो था मैंने उसको भेज दिया था तो क्या मैं रेगुलरली डाल रहा हूँ पर ये एक दिन बार बार डाल रहे हैं सो इन अ वे ठीक है ये और एक दिन जब है कभी अगर नहीं देगा तो ऑटोमेटिकली मैं शेड्यूल करके वो सेम जो वीडियो मैंने क्रिएट किया है वो मैं डाल दूंगा सो इसलिए वी आर लाइक ओके 14 हो या फिर 13 हो जो भी हो इट्स लाइक फाइन बट या लेट्स टॉक अबाउट टुडे डे 14 का तो फिर अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है थोड़ा सा एक मैच हम लोगों ने खेला था अपने मैनेजर के साथ थोड़ा सा उनको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए लाइक हाउ वी आर प्लेइंग एंड ऑल तो उन्होंने देखा एंड ज्यादा कुछ कमेंट नहीं किया बिकॉज दिस इज लाइक द फर्स्ट मैच जो उन्होंने खेला है तो उसके बाद और जो है हम लोग खेलेंगे एंड शी विल हैव अ बेटर पर्सपेक्टिव ओवरऑल एंड होपफुली लेट्स सी उनका भी डिसीजंस जो है टीम मेकिंग में टीम डिसीजंस में उनका भी एक बहुत बढ़िया एक पार्ट है तो जितना वो गेम को समझ पाएंगी तो उतना अच्छे तरीके से जो है हम लोग लाइक प्रॉपरली गेम को सेंस कर पाएंगे क्योंकि क्या रहता है ना एक थर्ड पर्सन का इंटरवेंशन यहाँ पे अच्छा होता है रिलेशनशिप बाकी चीजों का नहीं पता बट यहाँ पे थर्ड पर्सन इंटरवेंशन इज एक्चुअली नीड क्योंकि टीम के बाहर रह के आप टीम को देख रहे हो जैसा ऑडियंस सीइंग द टीम इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑडियंस में आपका ऐसा बहुत सारा दिमाग में आ सकता है कि यार यहाँ पे अगर वो ये करता ना तो ज्यादा बढ़िया होता और तब हम कुछ और कर रहे हैं तो एक साथ मिलकर हम बात अगर सॉर्ट आउट करें कि यार यहाँ पे ये क्यों नहीं किया तो मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ था यहाँ पे कुछ था या फिर उन्होंने ऐसा कहा कि यहाँ पे क्यों नहीं गया तो हम लोग सोचे नहीं यहाँ पे हम लोगों ने लाइक एक्चुअली क्यों नहीं गए तो वो एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड पर्सन का इंटरवेंशन जो कभी कभी कोच रहता है कभी कभी मैनेजर रहता है ना तो बस वही है एंड लेट्स ट्राई टू इम्प्रूव एंड इसके बाद का जो लाइक सेगमेंट है वो मोस्ट प्रोबेबली आने वाला है हम लोगों का मैचेस का तो ये आज मैचेस वाला देख के डालना ठीक है ना लाइक मतलब मैचेस का कितना खेला पता है वो किल्स वगैरह ठीक है टोटल 6 मैचेस मोर ऑर लेस खेलना है ठीक है एंड ओवरऑल किल का जो सेटअप है वो देखना है 6 मैचेस खेलो या ना खेलो मीरामार और इरांगल का मैचेस का नंबर सेम रहना है ठीक है मतलब एक अगर हम लोगों ने 2 मैच खेला तो फिर हम लोगों एक मीरामार एक इरांगल इवन नंबर पे हमको खत्म करना है मैचेस अल्टरनेटिवली खेल लेंगे हाँ ठीक है या फिर एक साथ जो भी हो लाइक इट डिपेंड्स तो बस यही है चीज है एंड लेट्स सी क्या होता है सो टिल देन लेट्स कट इट राइट नाउ हियर एंड लेट्स सी क्या जाता है रिजल्ट्स मुझे भी नहीं पता या आई विल बी प्लेइंग सो या दैट्स इट थैंक यू और ना अच्छा तो फिर कल का मैच का रिव्यू देना था तो एक एक करके बेट बाय बेट जो है मैं कह रहा हूँ कल का जो मैचेस था उसमें हुआ क्या था बहुत ही घटिया गया था ठीक है मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए भी वो भी तुम्हारे लिए हाँ अरे वही तो बोला बेस रुको ग्लिच हो गया रुको एनीवे तो कल का जो मेन सीन था हम लोग पूरा के जो है मैचेस हम लोग उतना कुछ नहीं खेल पाए हम लोगों ने मोर ऑर लेस 5 मैचेस खेला था मीरामार खेलने का कोशिश था बट हुआ नहीं क्योंकि हम लोग का प्लेयर्स 4 मैन हम लोग का नहीं था इसलिए नहीं हुआ और तू ही और एक बंदे को लेके आया था अपने फ्रेंड को लेके आया था ठीक है तो हम लोग मीरामार नहीं खेले
बट ओवरऑल अगर बात किया जाए लास्ट मैच छोड़ के उतना कुछ परफॉर्मेंस वाइज मेरा एकदम ही मतलब सेटिस्फैक्ट्री तो था ही नहीं। और तू इनका तो छोड़ ही दो, मैंने ये आने दो फिर मैं उनको बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक एक मैच करके जो है सामने आएगा और फिर ऑटोमेटिकली होगा। तो हम कटिंग दिस कट दिस नाउ और फर्स्ट मैच का जो रहेगा उसका क्लिप दे दो। ठीक है, हाँ तो कैमरा सही है ना? हाँ हाँ। तो मेनली क्या हुआ था, फर्स्ट मैच का आप लोगों ने रिजल्ट तो देख लिया। फर्स्ट मैच का रिजल्ट था, हम लोग हैशटैग आए थे 24 विद वन किल। ठीक है, इधर चिका खेल था, बहुत ही घटिया खेला था। हम लोगों ने एक मिसकम्युनिकेशन हो गया था, इसलिए जो है हम लोग एक प्रॉपर फाइट जो है हम लोग नहीं ले पाए, इसलिए वी डाइड। वो नॉर्मल मूड था या वो इवेंट था? नॉर्मल मूड था वो। ठीक है, तो बस हो गया। एनीवे सो दैट्स इट, शॉर्ट शूट करके रख रहा हूं। ठीक है, सो नेक्स्ट अप टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट मैच जो है वो था हम लोगों का इरेंगल का ही, नॉर्मल मोड का था, जिसमें हम लोगों ने #6 आए थे हम लोग विथ ओवरऑल किल्स 13 किल्स था, मेरा 0 किल्स था। यहाँ पे तुहिन का फ्रेंड का 3 किल था, इताची का 5 किल और कल्की का जो है उसका भी जो है 5 किल ही था। थोड़ा सा अगर बात किया जाए थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन का एक सिनेरियो यहाँ पे हो गया था फिर से, तो वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था एंड आई होप जो वो जो है वो आज वो चीज़ ना हो। तो आज मतलब कल वो चीज़ ना हो, लेकिन ये जो मैं ब्लॉक कर रहा हूँ जिसमें मैं वन डे अप डाउन कर रहा हूँ, बट ठीक है, लाइक यहाँ पे नॉर्मली रेगुलरली आया था तो आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, इट्स फाइन। सो या दैट्स इट, मिसकम्युनिकेशन, कॉल्स दिया था पर सुनाई नहीं दिया, वो उसका एक प्रॉब्लम था एंड या दैट्स इट। सो ये वाला मैच मैं पर्सनली कह रहा हूँ बहुत ही घटिया गया था, #22 था ये वाला मैच। हम लोग आउट ऑफ 25 टीम्स वी वर 22nd। और किल्स का बात किया जब मेरा यहाँ पे 2 किल्स था, बाकी की टीम का किसी के पास भी उतना कुछ किल्स तो था नहीं। यहाँ पे हम लोग इवेंट वाला जो मोड है हम लोगों ने जो है वो खेला था। सो एंड आई एम लाइक मुझे इवेंट्स का उतना कुछ मुझे मैंने पता नहीं है कि लाइक एग्जैक्टली बंदे कहाँ से आता है कहाँ पे जाता है, सो आई हैव लाइक 0 नॉलेज अबाउट इट, सो आई डोंट नो दैट मच, इसीलिए थोड़ा सा बीटी हो गया था एंड या दैट वाज अ बैड थिंग। सो ये वाला जो मैच था ये इज वन ऑफ द लाइक मेन मैचेस समझो, #1 फर्स्ट हुए थे हम लोग विद टोटल 20 किल्स था, मेरा सिर्फ और सिर्फ 2 किल, तो इनका फ्रेंड का 7 किल, कल्की का 1 किल, इताची का 10 किल। ठीक है, वो बंदा तो लेजिटिमेट बहुत ही बढ़िया खेला, बट ओवरऑल अगर बात किया जाए मुझे जो किल मिला मुझे लास्ट में ही मिला, क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए था कि यार मुझे अब तो किल करना है, मेरा मारने से पहले इताची उसको मार दे रहा था। सो ही प्लेड रियली वेल इन दैट मैच। और बात किया जाए बाकी चीज़ों का, सो धीरे धीरे करके वी विल ट्राई टू इम्प्रूव इट, कम्युनिकेशन सही था एंड लेट्स सी किस तरीके से जो है हम लोग कर सकते हैं। अभी चलो आप ऊपर, लेट्स गेट टू लाइक टुडेस मैच। हम लोग आज के मैचेस में जो हम लोग जाते हैं लाइक ऐसा कुछ सीन नहीं था कि मैंने ऐसा लाइक अचानक से मैं वहाँ पे क्यों कर रहा था, इट्स जस्ट लाइक अ चेंज ऑफ माइंड समथिंग। रुको रुको यहाँ से रुको, या तो वो एक सीन हो गया था, बट एनीवे मगर बात किया जाए प्रॉब्लम्स बहुत सारा था, प्रॉब्लम्स बहुत सारा था, धीरे धीरे करके जो हम लोग ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ें को सही करने की कोशिश कर रहे हैं एंड द मोर वी ट्राई द मोर वी विल बी सक्सेसफुल। सो वैसे धीरे धीरे करके वी विल ट्राई टू रीच व्हाट वेयर वी आर नॉट एंड होपफुली आई गेस मोर और लेस हम लोग एक स्टेबल पोजिशन में आ रहे हैं, जबकि ना हम लोग ऐसे पता चल रहा है कि वट इज़ आवर फॉल्ट, कौन सा कहाँ कहाँ हम लोगों ने गलतियाँ किया है, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, खुद का गलती ही मानना। आई गेस वी विल ट्राई टू डू दैट, कोई नहीं मानता अपने गलती, टेक दिस इज अ फैक्ट,
बट वी विल ट्राई टू डू दैट बोथ इन लाइफ एंड इन ई-स्पोर्ट्स, ताकि हम लोग जो है एक्सेप्टेंस, रियलाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट, ये तीनों चीजें आ सके. सो दैट इज द मेन थिंग. या दैट्स इट फॉर टुडे. डे कितना था ये? 13 शायद, 14. ओके, डे 14 है ये. 15 का शूटिंग आज होने वाला है. होपफुली आज सब कुछ बढ़िया हो. तो या दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना. और या और एक चीज है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस जर्नी अगेन. अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आई एम रियली थैंकफुल, क्योंकि मुझे पता है कि सब लोग पूरा व्लॉग नहीं देखते, स्टार्टिंग का थोड़ा सा पार्ट देख के छोड़ देते. अगर आप इतना देर तक आप हो तो रियली यू आर वन ऑफ मी, वन ऑफ माई रियली क्लोज फ्रेंड्स. अगर आप नहीं हो, अगर आप रैंडम बंदे हो, तो ब्रदर लेवर सिस्टर जो भी हो आप, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस टिल दिस एंड. दैट्स इट. अगर आप रात को देख रहे हो तो फिर गुड नाइट, सुबह देख रहे हो तो फिर गुड मॉर्निंग. दिस इज मी डोप किंग / शिवा साइनिंग आउट फॉर टुडे. बाय.